उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के नगर निगम एवं नगर पंचायत में प्राविधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों का बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल सम्पन्न हुआ। इस दौरान माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को विस्तार से बताते हुए कहा कि 28 दिसंबर 2022 को इस आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मतों एवं फीडबैक के आधार पर यह समीक्षा करना है कि पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27% आरक्षण प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं और ओबीसी की राजनीतिक भागीदारी कितनी है तथा राज्य नगरीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रवृत्ति और उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। उन्होंने नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सभासदों से फीडबैक और उनका पक्ष जाना तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संतोषजनक है। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए रोटेशन संबंधी सवालों पर माननीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को इस संबंध में जानकारी देने हेतु कहा कि जनप्रतिनिधियों की एक कार्यशाला आयोजित कर रोटेशन प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाए। वहीं जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने माननीय अध्यक्ष सहित आयोग के सभी सदस्यगण को आश्वस्त किया कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देश व सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा, महेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार सोनी, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित नगर निकायों के जनप्रतिनिधि, सभासद एवं अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे। अगली वाला वैल्यू अगली वाला अभी किया गया है जिनको हम लोगों ने जितनी पॉपुलेशन को 10 वार्डों की समझ लिया है सर। पहले हमारे पास 70 वार्ड थे सर, हमारे पास 80 वार्ड हो गए सर। प्रस्ताव भी जो है वो साधन से जब हमारा ये बढ़ा तो पहले 70 वार्ड थे सर। हम पॉपुलेशन जब पहले सर हमारे पास जो पॉपुलेशन है बताना चाहूँगा सर। आदेश 33.24 सर, पेज नंबर 4 सर। विस्तारीकरण के बाद ओबीसी